अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोले और गुड़ से लड्डू। ये एकदम इजी से बन जाते हैं और झटपट से ही बन जाते हैं और ये सर्दियों के अंदर खाने में बहुत ही बेस्ट होते हैं। ना इनमें घी लगता है, ना इनमें और कोई सामान डालने की जरूरत है। गोले और गुड़ से ही हम लड्डू बना लेंगे और एकदम इजी तरीके से ये लड्डू बन जाएंगे। आप देखिए कितने परफेक्ट लड्डू बने हैं। आप इनको आराम से महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो और ये लड्डू आराम से दूध से खा सकते हो। आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी गोले और गुड़ के लड्डू खाने से और ये लड्डू बहुत ही बेस्ट लड्डू है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने गोला लिया है सूखा और ये मैंने गुड़ लिया है। तो आज हम इस गोले और गुड़ से लड्डू बनाएंगे। एकदम सिंपल है, इजी तरीके से एकदम। ये भी सर्दियों के अंदर बहुत ही सेहतमंद लड्डू होते हैं। जो गोला नहीं खा सकते ऐसे, तो उनके लिए ये लड्डू हम आसानी से बना करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बनाना शुरू करते हैं। इन गोलों को हम मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने सारा गोला ग्रेट कर लिया है मिक्सी के अंदर और अब हम गैस के ऊपर, हमने जो ये कढ़ाई चढ़ाई है, देखो ये कढ़ाई के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम सबसे पहले गोले को इसको डाल देंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही उलट पुलट करेंगे और ये गर्म हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है हमें, उलट पुलट ही। इसको थोड़ा सा हल्का सा, इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो सूख जाना चाहिए और थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा। तो दोनों काम हो जाएंगे इसी से। हमें घी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि गोला हमारा पहले से ही ऑयली होता है। इसके अंदर ऑयल होता है गोले के अंदर। तो हमने साबुत गोला उसी के ही टुकड़े किए हैं, तो हमने कोई डेसिकेटेड कोकोनट नहीं लिया था। गोला हमारा अच्छे से सिक चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। ये हमने डाल दिया है इसमें गुड़। बस अब इसको हम ऐसे ही मिलाते जाएंगे और गोला और गुड़ दोनों को मिक्स कर लेंगे हम, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये ऐसे मिक्स करते जाएंगे। ये जो गुड़ की गांठे हैं इसको मैं थोड़ा वो कर लेती हूँ। मैंने इसको ऐसे ही कुक करके डाला था। ये मैंने इसको इस ऐसी लोडी से कूट करके मिक्स कर दिया है। तो पहले से ही इसके अंदर डाल देना आप, अगर आपको शक्कर डालनी है तो शक्कर डाल लेना, गुड़ डालना है तो गुड़ को ग्रेट करके डालना बिल्कुल, जो आपको मेरी तरह ऐसे कूटना नहीं पड़े। तो बस ऐसे ही मिक्स करते जाना है और ये दोनों चीज एक मिक्स हो गई है। देखो इस तरीके से एक मिक्स हो गई है दोनों चीजें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा मिक्स एक हो गया है। कहीं अब देखो गुड़ नहीं दिख रहा है ना, सारा एक हो गया है। अगर हम गुड़ को ग्रेट करके डालते तो ये ऐसे ही हो जाता। आप इसके अंदर एक बारीक पाउडर रूप में गुड़ की शक्कर आती है वो भी डाल सकते हो इसके अंदर और बूरा भी डाल सकते हो। ये देखिए अब इनको हम ऐसे लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू भी सर्दियों में बहुत ही बेस्ट होते हैं। जिसे गोला नहीं खाना तो वो इन गोले को इस तरीके से खा सकते हैं। तो छोटे छोटे ये लड्डू बना करके आप बस इसी तरीके से हम लड्डू बनाते जाएंगे इनको। ये मैंने दोनों हाथों से बना लिए हैं। मैं इनको ऐसे जोर से भींच रही हूं तो ये लड्डुओं के अंदर देखो कैसे तेल रिलीज हो रहा है और मेरे हाथ किस तरीके से चिकने हो गए हैं। तो गोले में कितना सारा तेल है। तो ये लड्डू हम बनाते जा रहे हैं। ये मैंने आज ऐसे लंबे लंबे लड्डू बना दिए हैं। एक गोल बनाया था और मैंने ये लंबे लंबे लड्डू बना दिए हैं। तो आप इनको किसी भी तरीके से बना सकते हो।
ये देखिए हमारे लड्डू कैसे बन गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ये लड्डू। ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया लड्डू बन गए हैं हमारे। अगर आपको मेरे ये लड्डू बनाने पसंद आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।